डॉक्टर साहब की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद थॉर लव एंड थंडर क्यों ही इंपॉर्टेंट है? एमसीयू भाई मल्टीवर्स में पहुंच गया तो भाई थॉर 4 क्या ही इंपॉर्टेंस इसमें ऐड करता है? तो गुरु इस सवाल को ऐसे समझो, क्या एमसीयू की दुनिया में असली देवता हैं या बस पावरफुल बींग्स को गलती से धार्मिक चित्रण कर लिया गया है? जो कि गुरु ये कांड अपना शुरू हुआ था इटर्नल से, अ पावरफुल बींग मिस्टेकन एज रिलीजियस फिगर, और फिर उसके बाद अपन को मून नाइट में इजिप्शियन गॉड देखने को मिले, फिर थॉर 4 में नॉर्स और ग्रीक गॉड्स भाई क्रॉसओवर कर रहे हैं, और इसी एस्टैब्लिशमेंट को गॉड गॉड बुचर चैलेंज करता है अराउंड द कॉस्मोस में, वो भी कसाइयों की तरह, क्योंकि एमसीयू में अपनी मल्टीवर्स के अलावा भी अलग-अलग रियल्म्स हैं, उनकी अलग एग्जिस्टेंस है, उनकी अलग पावर हायरार्कीज है। तो गुरु इस हिसाब से थॉर लव एंड थंडर हमें इस स्काई फादर लेवल की दुनिया के खतरों के बारे में भी जानने को बता रहा है, क्योंकि ये कोई मल्टीवर्स से कम नहीं है, ये कोई बींग्स औना पौना नाप के नहीं चलते, गॉड्स लड़ रहे हैं भाई, एक पंच इनका भाई डायमेंशंस खोल देता है, और मैं भाई उन गॉड्स की बारबेरिक दुनिया देखना चाहता है कि भाई जब ईश्वर प्रहार करते हैं तो सदियां सो जाती हैं।